Hello friends, welcome back to my channel Indian YouTuber in Poland. So today I will show you how to make garlic naan. Yes, one of the most requested and famous recipe in India as well as in Poland. So let's start the recipe. For garlic naan, you have to take this flour, which is the maka totowa. It is in Poland. It is easily available in any shop. और इंडिया में आप मैदा ले सकते हैं. मैदा बनाने के मैदे से आप ये गार्लिक नान तैयार कर सकते हो. तो आप ये ले लीजिए, एक कटोरी या दो कटोरी. जस्ट टेक वन बॉल और टू बॉल अकॉर्डिंग टू यू. सो आई हैव टेकन अराउंड टू बॉल्स ऑफ दिस फ्लावर एंड देन यू हैव टू एड सॉल्ट अकॉर्डिंगली जस्ट फॉर द टेस्ट. सो आई एम गोइंग टू एड टू स्मॉल टी स्पून. तो इसमें मैंने अपने स्वाद के अनुसार नमक मिला लिया है. उसके बाद आपको चाहिए बेकिंग सोडा. देन यू विल नीड बेकिंग सोडा फॉर द फर्मेंटेशन. सो आई एम गोइंग टू टेक जस्ट अ पिंच ऑफ इट, नॉट टू मच. सो आई विल शो यू एज वेल. ओके, जस्ट दिस मच बेकिंग सोडा यू हैव टू एड. सो सॉल्ट यू हैव एडेड, बेकिंग सोडा एंड देन इन द एंड जस्ट टू स्पून्स ऑफ शुगर. दिस विल गिव यू अ नाइस कैरमल कलर टू योर नान. ये आपके नान को एक बहुत ही अच्छा कलर देगा, ब्राउन सा, गोल्डन ब्राउन. तो बस आप इसको एक अच्छे से मिक्स कर लो. गिव अ नाइस मिक्स एंड देन टेक नॉर्मल वाटर एंड जस्ट नीड इट टाइटली. इसमें आप पानी डाल के अच्छे से इसको गूंद लें. ना आपको ज्यादा टाइट गूंदना है ना ही ज्यादा सॉफ्ट. जस्ट मेक श्योर योर डो शुड नॉट बी वेरी टाइट और वेरी लूज. इट शुड बी जस्ट इन द मीडियम फॉर्म. सो एड वाटर ग्रेजुअली. पानी इसमें आप धीरे धीरे डालें और एक अच्छा सा डो बना के तैयार कर लें. आप देख सकते हैं थोड़ा सा पानी और लगेगा. जस्ट लिटिल बिट ऑफ मोर वाटर, दैट्स इट. And now your dough is ready. Once the dough gets ready, you have to let it rest. Just keep it for rest for 2 hours. The maximum will be 2 hours, but if you are in hurry, if you don't have no time, so you can keep it for minimum 30 minutes as well. But the more you will keep for rest, the more soft and crunchy your naan will become when you will make it. तो आप इसको आधे घंटे से लेके 3 घंटे तक आराम से इसको rest करने के लिए रख दें. जितना ज्यादा आप इसको रखोगे उतना अच्छा होगा ये. तो ये मेरा डो बन के तैयार हो गया है. अब मैं इसमें लगा रही हूँ थोड़ा सा बटर. नाउ 1 बिग स्पून ऑफ बटर, सी, एंड देन जस्ट अप्लाई इट ओवर सो दैट योर डो विल नॉट ड्राई. ओके, सो दिस इज रेडी. आई विल कीप इट फॉर रेस्ट फॉर 1 आवर एंड आई विल मीट यू आफ्टर 1 आवर एंड वी विल प्रिपेयर द गार्लिक नान. थैंक यू. राइट फ्रेंड्स, सो आफ्टर 2 आवर्स योर डो विल लुक लाइक दिस. So let's take it out and knead it nicely for another 5 minutes. So you just have to knead it very nicely for 5 minutes before making the naan, so that your dough will become nice and soft. इसको 2 घंटे के बाद ये ऐसा हो जाएगा. फिर इसको हमें 5 मिनट तक अच्छे से मलना है ताकि ये सॉफ्ट हो जाए अपने नान बनाने के लिए. So for 5 minutes I have kneaded it. Now it's a garlic naan. So I have taken here 5 to 6 cloves of garlic. मैंने यहाँ 6 छिले हुए लहसुन ले लिए हैं. अब हम इसको पीस लेंगे. इसके छोटे छोटे से टुकड़े करने हैं आपको गार्लिक के, तो मैं इसमें इसके जल्दी से टुकड़े कर लूंगी. आप चाहे तो इसे चाकू से भी काट सकते हैं. यू कैन इधर कट इट विथ नाइफ और यू कैन जस्ट डू इट इन दिस एज वेल. तो बस आप इसमें ऐसे डालते रहिए और इसके अच्छे से छोटे छोटे से टुकड़े तैयार हो जाएंगे. क्योंकि आपको गार्लिक नान बनाना है तो आपको बहुत सारे गार्लिक की जरूरत होगी. फॉर गार्लिक नान यू नीड दिस टू प्रिपेयर इट. सो ऑलमोस्ट डन, जस्ट अनदर 2 सेकेंड्स. ऑलराइट, सो यू कैन सी इट्स ऑल रेडी. तो ऐसे आपको तैयार करके रख लेना है. तो बस अब हम गैस ऑन करते हैं. जस्ट टर्न ऑन द गैस, प्लेस 1 पैन. एक तवा रख दीजिए गर्म होने के लिए. नाउ टेक अ स्मॉल पीस ऑफ
अ स्मॉल बॉल ऑफ योर डो लाइक दिस. एक छोटा सा आप ले लीजिए एक बॉल इतना, और इसको आप इस पर रख दीजिए. अब आपको एक कटोरी में पानी लेना है. जस्ट टेक लिटिल वाटर इन अ बॉल एंड देन टेक सम ड्राई फ्लावर और कुछ सूखा आटा ले लें. तो अब आप इसको इसमें डाल दें. यहाँ पे आप इसको एक नान का शेप दे दें. गिव अ शेप ऑफ अ नान. जस्ट रोल इट नाइसली. यू कैन गिव एन ओवल शेप लाइक यू मस्ट हैव ऑलरेडी सीन इन द इंडियन रेस्टोरेंट्स. साइज डिपेंड्स ऑन यू एंड द शेप एज वेल, बट द ओवल शेप इज अ ट्रेडिशनल शेप ऑफ इंडियन गार्लिक नान. तो आप इसको जो अपना ट्रेडिशनल शेप होता है नान का वो आप दे सकते हो. ओवल शेप बहुत अच्छा लगता है नान का तो मैं ओवल ही दूंगी. आप चाहे तो आप इसे राउंड भी बना सकते हो. तो यहां पर मेरी एक नान बनके तैयार है. आप देख सकते हो ना ये ज्यादा मोटी है ना ये ज्यादा पतली है. सो हियर माय वन नान इज रेडी. आई विल शो यू द थिकनेस एज वेल. सो दिस मच शुड बी द थिकनेस ऑफ योर नान. सो वन नान इज रेडी. नाउ व्हाट यू हैव टू डू हियर, यू हैव टू अप्लाई सम वॉटर. After that, you have to apply this chopped garlic. So here, it is ready. Because with water, it will stick nicely. And after that, if you have any herb like rosemary, coriander, mint, whatever you like I like fenugreek. So I am going to place some fenugreek. This is a dry herb. Any herb you can place. And I will place some sesame seed as well. So I have some sesame seed here and I'm gonna place that as well. So it completely depends on you. If you have this white one or black one, you can place any. So here, all right. Now just gently roll it over. हल्के से इसको बेल लीजिए. Okay, so this side will go on the pan. तो ये साइड आपकी ऐसे तवे पे डाल के आपको अच्छे से इसको टैप करना है. इसको प्रेस कर दीजिए. जस्ट टैप इट स्लोली एंड केयरफुली ऑन द पैन. ऑलराइट, सो जस्ट वेट फॉर अ मिनट टू कुक. वंस यू विल सी स्मॉल बबल्स ऑन द टॉप दैट मीन्स द अदर साइड इज गेटिंग रेडी. सो आई विल जस्ट वेट फॉर अ मिनट एंड देन आई विल शो यू द मैजिक. मैं एक मिनट रुकूंगी जब तक इसके ऊपर ऐसे बबल्स ना आ जाए. उसके बाद आपको इसको टर्न करके पीछे से अच्छी तरह से सेक लेना है. आप देख सकते हो ये ऐसे थोड़ी थोड़ी सी फूलने लगी है. इसके बाद अब हम इसे ऐसे करके धीरे धीरे से यहां से सेक लेंगे. If you don't have a gas oven like this, then you can prepare in the oven as well. If you don't have a stove gas like this, then you can just roll it and prepare it in the oven as well. आप इसे माइक्रोवेव में या अपने ओटीजी में भी बना सकते हो आराम से. तो बस ये आपकी अब नान अपने आप निकल गई. Now you can see from the other side and let's make it from this side. Alright, so your naan is ready. So now you can see how nice and crunchy from this side and from the other side as well. So now it's a butter garlic naan. So I'm going to apply a lot of butter over it like restaurant. So during this lockdown, you can make this delicious naan at home and enjoy with your family. You can see? So yummy. Just do try at home and please share the pictures with me. Thank you so much and have a wonderful day ahead. Bye-bye.